गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग मैम। बच्चों आज मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछूंगी, जिसको उसका उत्तर आता है वो उत्तर देगा, कोई भी सामूहिक उत्तर नहीं देगा। भूख लगने पर हम क्या करते हैं? भूख लगने पर हम भोजन खाते हैं। ठीक है, भोजन हमें कहाँ से प्राप्त होता है? भोजन हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होता है। भोजन हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होता है। अच्छा, पेड़ पौधों से हमें और क्या क्या प्राप्त होता है? पेड़ पौधों से हमें वायु मतलब ऑक्सीजन प्राप्त होती है। इसके अलावा फल फल प्राप्त होते हैं। पेड़ पौधों से हमें क्या मिलता है? पेड़ पौधों से हमें ऑक्सीजन मिलती है, फल प्राप्त होते हैं, अनाज प्राप्त होता है, दवाइयां प्राप्त होती हैं, ये सारी चीजें हमें प्राप्त होती है। ऑक्सीजन से आप क्या समझते हैं? ऑक्सीजन एक आज हम लोग ऑक्सीजन चक्र के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। हम फेफड़ों के द्वारा श्वसन करते हैं। हम फेफड़ों एवं नाक के द्वारा श्वसन करते हैं। श्वसन में हम कौन सी गैस लेते और कौन सी गैस छोड़ते हैं? श्वसन करते समय हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ठीक है, करते हैं श्वसन की प्रक्रिया के द्वारा। हम श्वसन प्रक्रिया के द्वारा क्या करते हैं? ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। तो जो हमारा वायुमंडल है, ठीक है, हम लोग कौन से ग्रह पर रहते हैं? हम पृथ्वी पर रहते हैं। तो पृथ्वी का जो ग्रह है वो क्या होता है? पृथ्वी के ग्रह के चारों तरफ क्या होती है? और एक वायुमंडल होता है। मतलब वायुमंडल मतलब बहुत सारी गैसों के मिश्रण से बनी हुई एक बहुत ही मोटी परत होती है। जैसे अगर आप थोड़ा सा एग्जाम्पल अगर आप इसमें देखोगे, जैसे ये क्या बनाया है बच्चों ने? पृथ्वी बनाई है ना। तो पृथ्वी के चारों तरफ भी क्या होता है? वायुमंडल बना होता है। मतलब एक तरीके से गैसे 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 क्या होती है? चारों तरफ पृथ्वी के घूम रही होती है। ठीक है, उसी वायुमंडल की एक गैस कौन सी है? ऑक्सीजन होती है। ठीक है, हमारे क्या होते हैं वायुमंडल में, आपने देखा होगा जैसे कि नाइट्रोजन भी पाई जाती है, ऑक्सीजन पाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड, कई सारी गैसें पाई जाती है। तो उसमें ही एक मेन जो गैस है वो कौन सी है? ऑक्सीजन है। और ऑक्सीजन वायुमंडल का तकरीबन 21% जो होता है, वायुमंडल में जो गैसें पाई जाती हैं उसका 21% क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। इसका जो सिंबल होता है या इसका जो सूचक होता है वो क्या, उसको किससे डिनोट करते हैं? हम ओ से डिनोट करते हैं, उसको हम ओ से डिनोट करते हैं। अच्छा, ऑक्सीजन क्या होता है? बहुत ही ज्यादा क्रियाशील अधातु होता है। क्रियाशील अधातु का मतलब क्या होता है? ये बहुत ही जल्दी क्रिया कर देता है, मतलब एक सिंगल फॉर्म में नहीं रह पाता। क्रियाशील
अधातु का मतलब होता है जो बहुत ही जल्दी क्रिया करने में सक्षम हो, उसे हम क्रियाशील कहते हैं। अधातु यानी कि जो नॉन मेटल्स होते हैं। नॉन मेटल्स कैसे होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि जो इलेक्ट्रिसिटी के ट्रांसफर नहीं करने देते हैं, ठीक है, और शाइनी भी नहीं होते, ये कुछ नॉन मेटल्स की जो होती है मेन लक्षण होते हैं। उसी तरीके से ये क्रियाशील अधातु तक सिंगल फॉर्म में ये कभी भी आपको वायुमंडल में ही नहीं दिखता है। ये हमेशा किस फॉर्म में रहता है, डायटोमिक फॉर्म में। कौन से फॉर्म में? डायटोमिक फॉर्म। डायटोमिक मतलब ये हमेशा क्या रहता है, O2। अब क्योंकि मैंने कहा ये क्रियाशील अधातु है, क्रियाशील अधातु का मतलब क्या होता है, ये ऑक्सीजन ही आपस में ऑक्सीजन के साथ क्या कर देती है, रिएक्शन कर देती है और क्या बना देती है, O2 बना देती है। और इसी O2 को हम क्या बोलते हैं, डायटोमिक। डाय मतलब होता है दो और एटॉमिक मतलब एटम्स, ऑक्सीजन के जो एटम्स हैं उसी को ही हम बोलते हैं डायटोमिक एटम के उस पर रहते हैं। इसके अलावा ये बहुत ही ज्यादा ज्वलनशील होती है और बहुत ही ज्यादा अच्छा। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको एक चीज आप बताना रह गया कि ये क्रियाशील अधातु रहती है तो ये क्या करती है, दूसरों के साथ भी क्या करती है, बहुत जल्दी रिएक्शन कर देती है। जैसे अगर ये कार्बन के साथ मिली, कार्बन के साथ इसने ऑक्सीजन को मिली तो क्या बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। मैग्नीशियम के साथ मिलती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। तो इस तरीके से ये इसके कुछ मेन कैरेक्टरिस्टिक होती है, ठीक है। हमारे वायुमंडल में इसका कितना प्रतिशत रहता है, 21%। अगर हम क्या करते हैं, जब जल्दी भी मोमबत्ती होती है उसके ऊपर अगर गिलास रख दिया जाए तो क्या होगा, बुझ जाएगी है ना। जो मोमबत्ती है वो कुछ समय तक तो जलेगी और थोड़े समय बाद क्या हो जाती है, वो बुझ जाती है। जलती हुई मोमबत्ती के ऊपर जब हमने ग्लास रखा तो वो क्यों बुझ गई, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन खत्म हो गई। तो अब इसकी जो विशेषताएं आती हैं, ऑक्सीजन की जो सबसे पहली जो विशेषता आती है वो यही सारी चीजें आती हैं कि वो हमारे किन किन चीजों में उपयोगी है और उसकी क्या विशेषता है। सबसे पहली जो इसका उपयोग और विशेषता है वो है इसकी श्वसन। हमारे लिए सबसे ज्यादा उपयोग में क्यों है ये, क्योंकि ये श्वसन के लिए, क्योंकि हम क्या करते हैं, श्वसन के लिए हम बिना ऑक्सीजन के हम जिंदा नहीं रह सकते। हम ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, तो इसलिए कोई भी जीव जंतु बिना ऑक्सीजन के नहीं रह पाता। दूसरी जो चीजें आती है वो आता है विघटन का मतलब होता है किसी चीज को सड़ाना, गलाना, तोड़ना, ठीक है। आप समझेंगे कि जो सड़ी हुई पत्तियां होती हैं वो कई समय तक जब पृथ्वी के अंदर पड़ी ही रहती हैं, मिट्टी के अंदर पड़ी ही रहती हैं, तो वो कैसे कन्वर्ट हो जाती हैं, बाद में खाद में कन्वर्ट हो जाती हैं, और लंबे समय तक पड़ी रही तो मिट्टी ही बन जाती हैं। तो ये सारी चीजें क्या होती है, विघटन के उसमें होती है। दूसरी चीज के लिए हमें क्या इस्तेमाल होता है, ऑक्सीकरण का मतलब होता है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ये बहुत ही ज्यादा क्रियाशील अधातु होती है, ये किसी के साथ भी क्या कर देती है, रिएक्शन करके क्या बना देती है, ऑक्साइड्स बनाती है। तो याद रखिए ये क्या करती है, यौगिक निर्माण करती है। यौगिक का मतलब होता है कंपाउंड का निर्माण करती है। ये क्या करती है, किसी भी मेटल के साथ या किसी के साथ भी क्या करती है, रिएक्शन करके क्या बनाती है, एक यौगिक का निर्माण करती है। जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड और सबसे इंपॉर्टेंट
आयरन ऑक्साइड, जो आप जंक लगना समझते हैं ना, कि भाई आपने कुछ चाकू को कुछ टाइम के लिए आपने बाहर छोड़ दिया, या आपने लोहे की छड़े आप बाहर देखते होंगे तो कुछ टाइम बाद वो कैसे दिखती है, भूरी भूरी सी लगने लग जाती है। तो वो सारी चीजें किसकी निशानी होती है, जंक की निशानी होती है। तो ये सारी प्रक्रिया किसके द्वारा होती है, ऑक्सीकरण के द्वारा होती है। इसकी जो अगली जो इसकी विशेषता आती है वो होती है दहन। दहन, दहन मतलब जलाना, जलना, जलाना। आपने क्या कहा कि जब हमने जलती हुई मोमबत्ती के ऊपर हमने गिलास रखा तो मोमबत्ती बुझ गई, लेकिन अगर हम गिलास को हटा दें या कॉन्टिन्यूसली मतलब जलती हुई मोमबत्ती को हम ऐसे के ऐसे ही रखते तो वो कॉन्टिन्यूसली क्या होती, जलती जलती। इसका मतलब बिना ऑक्सीजन के किसी भी चीज का दहन होना संभव नहीं है। यानी कि ऑक्सीजन ये क्या करती है, ऑक्सीजन के लिए ज्वाला के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है। अच्छा, कभी आपने पुराने जमाने में या कभी मार्केट में देखा है कि जब उनके जैसे कोई बाटी चोखा वाला है या चूल्हे में जब आग बुझ जाती है या कम हो जाती है तो हम लोगों की दादी नानी क्या करती है, फूक मारती है। वो एक पाइप सा होता है, उसके थ्रू हम लोग फू फू करके इस टाइप से कर, वो क्यों करते हैं, क्योंकि दहन यानी कि किसी भी चीज को जलने के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसके अलावा आप समझेंगे कि ऑक्सीजन जो होता है इसका उपयोग क्या क्या होता है। जो द्रव ऑक्सीजन होती है ये तो था जो नॉर्मल हमारे पास ऑक्सीजन हमें वायुमंडल में मिलती है या हम लोग देते हैं, इसके अलावा जो द्रव ऑक्सीजन होती है, द्रव ऑक्सीजन वस्तुओं को जैसे आप देखते हो ना, बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं, तो उनमें क्या करते हैं, डायनामाइट लगाते हैं, या बड़ी बड़ी चीजों को जो तोड़ने फोड़ने के लिए भी किस चीज का, जो चट्टानों को तोड़ने के लिए अच्छा वेल्डिंग वालों को कभी देखा है आपने, कभी yes, घर में काम होता है तो वेल्डिंग वाले क्या करते हैं, इस टाइप से इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू वो करते हैं, तो उसमें भी क्या होती है, जो लिक्विड ऑक्सीजन उनके उसमें भरी हुई रहती है, उसी के थ्रू क्या करते हैं, मोटी चादरों को मोटी चादर को काटने वगैरह के लिए भी इनका काम होता है। ठीक है, मछली सांस किसके द्वारा लेती है और मछली सांस में कौन सी ऑक्सीजन कौन सी गैस लेती है। मछली गिल्स के द्वारा श्वसन करती है और वो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन ग्रहण करती है। शाबाश, ऑक्सीजन। अच्छा, ऑक्सीजन हमें कहाँ से प्राप्त होता है, ऑक्सीजन हमें पेड़ पौधों से मिलती है। ठीक है, तो अब हम समझेंगे कि ऑक्सीजन जो पानी में घुलती है फिर हमें मिलती है वो किस तरीके से हमें प्राप्त होती है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। हमारे वायुमंडल में 21% ऑक्सीजन पाई जाती है। हमारे वायुमंडल में मतलब हमारे वायुमंडल में कई सारे पाई जाती हैं, कैसे उनमें सबसे इम्पोर्टेंट ऑक्सीजन है जो कि 21% पाई जाती है। तो ऑक्सीजन जो होता है, सबसे पहले जो वायुमंडलीय ऑक्सीजन है जो कि आपने अभी बताया कि लगभग कितना प्रतिशत है, 21%।
ये वायुमंडल ऑक्सीजन जो होती है इसको हम लोग क्या करते हैं, श्वसन के द्वारा क्या करते हैं, ऑक्सीजन वायुमंडल ऑक्सीजन जो होती है 21% जो, उसको हम क्या करते हैं, श्वसन के द्वारा लेते हैं। श्वसन के द्वारा सारे जीव जंतु, चाहे वो पानी में रहने वाले हैं, वो घुली हुई ऑक्सीजन, वो घुली हुई ऑक्सीजन को लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डायरेक्ट जो ऑक्सीजन हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होती है, उसी तरीके से भिन्न भिन्न चीजें, भिन्न भिन्न जीव भिन्न भिन्न तरीकों से ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। श्वसन के द्वारा हम सभी लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें श्वसन की प्रक्रिया के द्वारा हम ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। श्वसन की प्रक्रिया के द्वारा क्या होता है, वाटर निकलता है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण श्वसन की प्रक्रिया के द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है छोड़ी जाती है, और इसी के साथ जब कार्बन डाइऑक्साइड हमने छोड़ी तो वो पानी के साथ मिलकर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा दोबारा से ऑक्सीजन का निर्माण करता है, और वो ऑक्सीजन दोबारा से वायुमंडल में पहुंच जाती है, क्या कहलाती है, वायुमंडलीय ऑक्सीजन। उसी तरीके से जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा क्या बना, पेड़ पौधे क्या बनाते हैं, कार्बनिक अणु यानी कि ग्लूकोज C6H12O6 बनाते हैं, और C6H12O6 का जब टूटती है, जब C6H12O6 जो होता है वो टूटता है, विघटन होता है इसका, टूटता है, तो ये किसमें टूटता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में टूटता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। इसको आप इस तरीके से समझिए कि जो C6H12O6 ये जो टूटता है वो टूटता है CO2+H2। अब हम इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो कितना कितने कार्बन है, 6 कार्बन है ना, और दो यहाँ पे, यानी कि 3 CO2, 3 2 जब 6 हो गया ना, और 2 ऑक्सीजन, अब 2 ऑक्सीजन इधर पे हो गए, यहाँ पे कितने हैं, 12, और यहाँ पर हमें कितने चाहिए, 6 इधर चले गए, कार्बनिक अणु कहाँ से प्राप्त हुआ, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से जैसे कि आप समझते हो कि कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और किस किसके प्रेजेंस में वो होती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, प्रकाशीय ऊर्जा कार्बन डाइऑक्साइड और जल की उपस्थिति में होती है। प्रकाशीय ऊर्जा यानी कि क्या बनाता है, C6H12O6 बनाता है, और इसका विघटन करने यानी कि जब ये टूटता है तो हमें ये वापस से क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता है, जो कि हम लोग क्या करते हैं, श्वसन की प्रक्रिया के द्वारा क्या होता है, इसको टूटता है और ये कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा से प्रकाश संश्लेषण की मदद से दोबारा से ये बनाता है। और उसी तरीके से श्वसन में एक पार्ट तो कार्बन डाइऑक्साइड का निकलता है, एक पार्ट पानी का निकलता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी दोनों मिलकर के फिर दोबारा से वायुमंडलीय ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। आई बात समझ में, yes, इसी तरीके से क्या होता है, मेन जो तीन चीजें यहाँ पर आप देखोगे, वायुमंडलीय ऑक्सीजन, श्वसन और प्रकाश संश्लेषण। वायुमंडल से क्या करा हमने, श्वसन करा, श्वसन से हमने कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी, और पानी जो कि उसको जड़ के माध्यम से मिलता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से दोबारा से ऑक्सीजन मिली और वो दोबारा से कहाँ पहुंच गई, वायुमंडल में पहुंच गई। तो इसी प्रकार का ये जो चक्र है वो लगातार चलता रहता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीजन चक्र कहते हैं, ठीक है। यस मैम, गाड़ियों के धुएं से कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है ना, है ना, जब गाड़ियों का धुआं जलते हैं, जब गाड़ियां चलती है तो उसके धुएं में कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, या हम किसी चीज को जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। अच्छा, और हमारे फ्रिज में कौन सी गैस भरी हुई रहती है, सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन भरी हुई। फ्रिज से क्या निकलती है, सीएफसी निकलती है। तो
तो हमारे जो वायु जो वायुमंडल है पृथ्वी, जैसे कि आप ये पृथ्वी देख ही रहे हो, इस पृथ्वी के चारों तरफ क्या होती है, ओजोन परत होती है। ठीक है, ओजोन परत होती है जो कि जो सूर्य की हानिकारक किरणों को हमारी पृथ्वी से आने तक, हमारी पृथ्वी पर आने तक रोकती है। अगर ये ओजोन परत ढल जाए या ढह जाए तो क्या हो जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, हमारी पृथ्वी पर सारी की सारी जो सूर्य की हानिकारक किरणें हैं वो लगातार आती रहेंगी और हमें अन्य प्रकार की नुकसान झेलने पड़ सकते हैं। जैसे कि आप सुनते होंगे ना कि जो हिम शिखर है, बड़े बड़े ग्लेशियर हैं, वो लगातार पिघल रहे हैं। ठीक है, पानी का ज्यादा बढ़ जाना या धूप का ज्यादा हो जाना, ये सारे के सारे किसके कारण होते हैं, ओजोन परत के, उसकी वजह से होते हैं, ओजोन परत के ये छेदन के कारण होते हैं। आप ये देखते होंगे, आपने एक वो सुना होगा कि अंटार्कटिका के पास ओजोन परत में क्या पाया गया था, छेद पाया गया था। ओजोन परत पे क्या पाया गया था, छेद पाया गया था। वो इसी के कारण हुआ था, क्योंकि क्या हो गया था, जब कार्बन डाइऑक्साइड का, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और अन्य जो गैसें हैं, जो अन्य हानिकारक गैसें हैं, जब इनका जो इनका प्रतिशत जो वायुमंडल में है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो क्या होता है, हमारा जो वायुमंडल है उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। अगर किसी कोई चीज कम हो गई, कोई चीज ज्यादा हो गई, तो बैलेंस जो बिगड़ जाता है, उसी के वजह से क्या होता है, ओजोन परत का क्षय होना शुरू हो जाता है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, गाड़ियों का कम से कम इस्तेमाल करें। ठीक है, फ्रिज को जितना हो सके हम कम खोलें, बंद करें, कम से कम उसका इस्तेमाल करें। और आजकल जैसे कि आप देखते होंगे ना, 3-स्टार 5-स्टार जो फ्रिज वगैरह, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स वगैरह रखें, इनका इस्तेमाल हम ज्यादा से ज्यादा करें। ठीक है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की दो विशेषता बताइए। ये दहन के उसमें श्वसन के लिए और दहन के लिए, श्वसन और दहन, दहन के लिए। अच्छा, इसकी दो उपयोगिता बताइए। ऑक्सीजन का उपयोग जो है हम सांस लेने में करते हैं, और साथ ही साथ ऑक्सीजन का उपयोग हम, ये एक क्रियाशील धातु है, पेट्रोल वगैरह, हाँ पेट्रोल वगैरह। ठीक है, ये इसकी क्या है विशेषता, बिना इसके इसकी उपयोगिता किस चीज में है, श्वसन में इसकी उपयोग करा जाता है, विघटन में इसका उपयोग किया जाता है, और सबसे महत्वपूर्ण पेट्रोल,